एपिसोड वन में आपने देखा कि सिब्बू की दादी सिब्बू से सारा घर का काम करवाती है, जिसकी वजह से सिब्बू अपनी पढ़ाई पे और स्कूल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। सिब्बू की मम्मी इस दुनिया में नहीं होती, जिसकी वजह से सारा घर का काम सिब्बू को खुद करना पड़ता है और फिर स्कूल में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लग पाता। इसी चीज से परेशान होकर एक दिन टीचर उसके पापा को स्कूल बुलाती है और सिब्बू की खूब शिकायत करती है। फिर एक दिन अचानक सिब्बू को एक मिस्टीरियस स्टोन मिलता है। फिर सिब्बू और दर्श को पता लगता है कि वो कोई आम स्टोन नहीं बल्कि एक मैजिक स्टोन है। लेकिन फिर अचानक से उनकी दादी उनसे वो मैजिक स्टोन छीन लेती है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दीदी अब क्या करें? दर्श अब मैं क्या कर सकती हूँ? हमें एक ही चीज अच्छी मिली थी, वो भी दादी हमसे लेकर चली गई। पर दीदी कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ दर्श कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ओए तुम दोनों अभी तक सोए कि नहीं? सुबह स्कूल जाना कि नहीं जाना? और सिब्बू तू शाम को सब्जी लाना तो भूल गई। अब तुम दोनों दोपहर की बनी हुई खिचड़ी खाकर चुपचाप सो जाओ और मुझे चू की भी आवाज नहीं चाहिए, समझे? दर्श रात के 10 बज गए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह कल टाइम पे स्कूल भी जाना है। अगर हम टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचते हैं तो टीचर बेवजह पापा को बहुत सुनाती हैं। तो अभी हम सो जाते हैं और स्कूल से आने के बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है दीदी, स्कूल से आने के बाद ही डिस्कस करेंगे। हाँ। और हाँ, तुझे खाना खाना है? नहीं दीदी। मुझे भी नहीं खाना। ये है क्या चीज? कुछ पता नहीं चल रहा। चमक तो बहुत रहा है और देखो तरह तरह के रंग भी इसमें निकल रहे हैं। क्या पता कोई कीमती हीरा हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसे करती हूँ चिंटू को दिखा के आती हूँ, क्या पता वो कुछ बता सके। अरे बेटा देखना तो जरा ये क्या है। माँ इसे देखकर लग तो रहा है कहीं देखा हुआ सा है। ये है तो पत्थर ही, आपको कहाँ से मिला? अरे बच्चों के पास था। ले आए होंगे कहीं से, छोड़ो हाथ। अरे इसीलिए तो मैं उनके हाथ से ले आई ताकि उनके हाथ में गलत चीज ना पड़ जाए कोई। बिल्कुल सही किया आपने, बाकी मैंने देख लिया ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आप दे दो बच्चों को, खेलते रहेंगे। ठीक है बेटा जैसे तू ठीक समझे। मेरा बेटा तो भोला है भोला, उसको कुछ नहीं पता। मैं तो कल जाऊंगी सुनार को दिखाऊंगी और अच्छे से चेक कराऊंगी। क्या पता असली कोहिनूर हो, मेरे तो चांदी हो जाएगी, चांदी मजे आ जाएंगे। और तब तक मैं ना इसको अलमारी में संभाल के रख देती हूँ। दीदी वो ये टाई। दर्श तू ना दादी के पास जा, दादी तुझे रेडी कर देंगी। इतने में लंच पैक कर देती हूँ। अरे आजा आजा बेटा, मैं तुझको तैयार कर देती हूँ। ओके दीदी। आया जल्दी से, शाबाश। आजा मेरे लाडला, बैठ बैठ। हाय हाय,
कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे। गया तो बिल्कुल अपनी दादी पर है। नहीं नहीं दादी, मैं तो अपनी मम्मी पे गया हूँ। अरे मम्मी पर तो तेरी बहन गई है, बहन चुड़ैल लग रही है। दादी प्लीज ऐसे मत बोलो, वो मेरी दीदी है, वो बहुत अच्छी और क्यूट है। 2 साल में जब उसकी शादी कर दूंगी ना तो देखना सारी क्यूटनेस खत्म हो जाएगी। क्या दादी आप कुछ भी बोलते हो। कुछ भी कह ले, रहेगा तो दादी पर ही। हाँ जी गुप्ता जी, ठीक है मैं करता हूँ आपसे। ओके चलो बेटा आओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। अरे सिब्बू बेटा तू भी तैयार हो गई क्या? आजा जल्दी से, चलो पापा के साथ स्कूल चलो। अब जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट करूं, ठीक है? जाओ बेटा जल्दी जल्दी जाओ, जाओ पापा के साथ स्कूल। ओके बच्चों ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के, ठीक है? अब जाओ। ओके बाबा बाय। सिब्बू हाय। अच्छा दीदी अब आपकी फ्रेंड आ गई है तो मैं अब अपनी क्लास में चलता हूँ। क्या हुआ सिब्बू, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तेरी खड़ूस दादी तुझे फिर से परेशान करती है क्या? अरे यार ये सब मत बोल, दादी है वो मेरी। दादी है तो क्या हुआ, खड़ूस तो है ना। तू ना एक काम कर, अपनी दादी को ना खाने में जहर मिला के दे दे, ना रहेगी दादी ना रहेगा कलेश, शांति की जिंदगी। अरे यार ये सब तू कैसी बातें कर रही है, ये सब तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। वो दादी है यार मेरी, मेरे पापा की मम्मी है। जितना प्यार मैं अपने पापा से करती हूँ उतना ही प्यार मैं अपनी दादी से भी करती हूँ। पर वो तो तुझसे प्यार नहीं करती ना। अरे नहीं नहीं, वो बस उनको देख के ऐसा लगता है क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ बस बस रहने दे तू, अगर तेरे जैसी मेरी दादी होती ना तो मैं पता है क्या करती, मैं ना चाकू से उनका गला काट देती और फिर पुलिस वालों को फोन कर देती कि चोर आए थे, मार के चले गए। तू भी ना कुछ भी बोलती है, चल क्लास में चलते हैं। अरे महारानी किधर चली? अरे मेरी बात तो सुनती जा। तू हट सिब्बू, मैं देखती हूँ उसे। लो भाई आगे इसकी बॉडीगार्ड, अब वो जाके क्लास में सोएगी और ये उसकी चौकीदारी करेगी। अरे भाई ये तो क्लास में इतना सोती है, इतना सोती, कल तो टीचर ने इसके साथ इसके पापा की क्लास लगा दी। और भाई ये घर में पूरा दिन करती क्या होगी? भाई इसके पक्का ना 4-5 बॉयफ्रेंड होंगे, सबसे एक ही घंटा बात करती होगी ना, सुबह के तो 5 वैसे ही बच जाने हैं। लेकिन इसके पापा ने तो कहा था इसके पास फोन नहीं है। भाई इसके पापा जब सो जाते होंगे तो ये पापा का फोन चोरी करके बात करती होगी ना। सिब्बू तू ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, बस तू दिन में 10 मिनट बात कर ले मैं खुश रहूंगा। और तो और तू जब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तेरे को यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये पूरा स्कूल मेरे पापा की जमीन पर बना हुआ है। हाँ भाई कोई कुछ बोलेगा तो नहीं ना? गर्लफ्रेंड माय फुट, और जो तेरे बाप ने ये रेपुटेशन बनाई है ना वो सारी तो मिट्टी में मिला रहा है। मैं तो डर गया। चल चल।
वो लोग तो है ही बदतमीज। अब जल्दी से हंस दे वरना ना एक मुक्का मारूंगी तेरे सारे दांत टूट जाएंगे। जाने के हाल है। तो बच्चों आज से मैं आप लोगों की न्यू क्लास टीचर हूँ और मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। और हाँ, मैं ही आप लोगों की अटेंडेंस भी लगाऊंगी। हे यू, स्टैंड अप। मी? यस यू। मैम, मैंने क्या किया? मैंने कहा खड़े हो और मेरी क्लास से अभी के भी बाहर निकलो। मैम, पर मैंने किया क्या है बताओ तो सही। बेटा, पनिशमेंट मैं पहले देती हूँ और गलती बाद में बताती हूँ। गेट आउट, निकलो मेरी क्लास से। चलो बेटा, अपनी अपनी बुक्स निकालो। सिब्बू, बेटा एक मिनट रुकना। यस मैम। बेटा, जब वो लड़के तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? मैम, वो तो है ही बदतमीज, उनका तो ये डेली का ही काम है, मैं उनके मुंह क्या लगती। पर बेटा, अपने लिए तो स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें कोई भी परेशान करे या कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आके कहना। ओके, एक मिनट मैम, आपको कैसे पता कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे? क्योंकि जब वो लोग ऐसे हरकत कर रहे थे तब तो आप वहां पे थे ही नहीं। बेटा, मुझे सब पता है। चल। अरे वाह दीदी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ दर्श, आज मैं खुश तो बहुत हूँ। अच्छा दीदी, वो क्यों? अरे वो ना, आज हमारे क्लास में एक नई क्लास टीचर आई है, वो काफी स्वीट है। अच्छा दीदी, वो कैसे? अरे वो ना, आज मुझे क्लास में कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो उन क्लास टीचर ने मुझे सपोर्ट किया और काफी अच्छे से ट्रीट किया। अरे वाह दीदी, सही है। अच्छा दीदी, वो आपने मुझसे कहा था ना कि हम वो स्कूल आने के बाद डिस्कस करेंगे। अरे वो मैजिक स्टोन के बारे में, अब बताओ ना दीदी, दादी से हम कैसे वापस ले वो मैजिक स्टोन? अरे दर्श, वो तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा तू ही बताना कि अब क्या करें।
दीदी मैं तो कहता हूँ दादी से चल के ले लेते हैं। अच्छा तुझे क्या लगता है कि अगर तू दादी से जाके सामने से मांगेगा तो दादी तुझे दे देंगी? हाँ दीदी ये बात भी सही है। तो दीदी एक काम करते हैं, चोरी कर लेते हैं। दस तू पागल है क्या? चोरी क्या होता है? चोरी नहीं करनी। तुझे मम्मी ने बताया नहीं था क्या कि चोरी करना गलत बात होती है? अरे दीदी मुझे पता है चोरी करना गलत बात होती है, लेकिन हम अगर अपनी ही चीज को चुराए ना तो चोरी चोरी थोड़ी ना मानी जाएगी, वो तो अपनी चीज वापस लेना मानी जाएगी ना। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी चोरी चोरी होती है, वो हमारी चीज क्यों ना हो, हम सामने से भी तो जाके उठा सकते हैं ना उसे। अच्छा दीदी आपको क्या लगता है अगर आप दादी से सामने से मैजिक स्टोन मांगोगे तो दादी आपको दे देंगी? अरे दीदी ऐसा कुछ ही नहीं होगा, आपको घूम फिर के मेरी बात माननी पड़ेगी। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। दादी क्या है? दादी अरे बोल ना। दादी अरे बोल ना। दादी वो अरे वो ही करती रहेगी कि उसके आगे भी कुछ बोलेगी? दादी वो मैं ये कह रहे थे कि आज शाम को खाने में क्या बनेगा। अरे फ्रिज में बैंगन रखे हैं, उसकी सब्जी बना ले, साथ में रोटी सेक ले। और सुन मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना के लाएगी और दो चम्मच चीनी एक्स्ट्रा, समझी? जा। अरे भाई दर्श मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है। पता नहीं क्यों जब मैं दादी के पास जाती हूँ मैं तो कांपने ही लग जाती हूँ। तो दीदी मैंने तो पहले ही बोला था ना चोरी कर लेते हैं। नहीं मैं चोरी नहीं करूंगी। अरे दीदी अच्छा ठीक है फिर कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, तू ना एक काम कर, तू दादी के पास जा क्योंकि दादी तेरी सुनती है, और उनको जाकर अच्छे से मक्खन लगा और स्टोन लेकर आ जा, हमें हमारा स्टोन भी मिल जाएगा और चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा दीदी मक्खन लगाने से दादी मान जाएंगी और हमें स्टोन दे देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, दादी का भी लाडला है, तेरी बिल्कुल सुनेंगी। ठीक है फिर दीदी मैं अभी जाता हूँ दादी को बढ़िया सा मक्खन लगा के स्टोन लेकर आता हूँ। तो अभी मेरे पास दो मक्खन है, एक है गार्लिक मक्खन और एक है नॉर्मल मक्खन। तो अभी मैं दादी को कौन सा वाला मक्खन लगाऊं? ऐसा करता हूँ नॉर्मल वाला मक्खन ही लगा देता हूँ क्योंकि गार्लिक वाला तो मेरा फेवरेट है, इसमें मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। ठीक है फिर नॉर्मल वाला ही लगाऊंगा। दर्श बेटा ये क्या कर रहे? वो दादी मैंने आपके मक्खन लगा रहा था। मक्खन लगा रहे पर क्यों? दादी अगर मैं आपको ना मक्खन लगाऊंगा ना तो आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी ग्लो, और आप एकदम यंग लगोगे यंग, एकदम पहले की तरह जवान हो जाओगे। हाँ ऐसा क्या? हाँ दादी मैंने यूट्यूब पे देखा था।
अच्छा बेटा तू ऐसे कर, मेरे पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा दे मक्खन। अरे बेटा ये तो बताता जा कि इसको लगा के बैठी रहूं कि सोऊं। अरे नहीं नहीं दादी, आप इसको लगा के रखो और ऐसे बैठे रहो जब तक ये मक्खन आपकी स्किन में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अच्छा अरे दीदी आप हंस क्यों रहे हो? दीदी मैंने दादी को पूरी एक मक्खन की टिक्की लगा दी लेकिन दादी को कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा और तभी हमें वो मैजिक स्टोन मिला। अरे दर्श मक्खन लगाने का मतलब ये नहीं होता कि तू उनको जाके सच में ही मक्खन लगा दे। तो फिर क्या मतलब होता है दीदी? दर्श मक्खन लगाने का मतलब ये होता है कि ना तू उनसे जाके मीठी मीठी बातें कर, उनसे प्यारी प्यारी बातें कर, मतलब उनको ना इम्प्रेस कर तो ताकि वो तेरी सारी बातें मान जाए। ओ तो दीदी ऐसा करना था क्या? दीदी आपको ना मुझे पहले बताना चाहिए था, आपने ना मेरी मक्खन की पूरी एक टिक्की वेस्ट करवा दी और ना ही हमारा काम बना। मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही कुछ सोचो। अरे माई क्या हाल बना रखा है? अरे बेटा ये दर्श ने मेरे चेहरे पे मक्खन लगाया है, वो कह रहा था कि मक्खन लगाने से ना मैं तेरी तरह जवान हो जाऊंगी, तेरी उम्र की दिखूंगी, देख कितना ध्यान रखता है मेरा, मुझे कितना प्यार करता है। अरे माँ बच्चों ने ना तुम्हारा पागल बना दिया है। अच्छा ऐसा क्या? इस शैतान ने ऐसी बदमाशी की, आज मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अभी देखती हूँ मैं इसको कहाँ गया। दीदी अब क्या करें? दीदी मेरी बात मानो, मैं तो कहता हूँ चोरी कर लेते हैं। दर्श तुझे पता है ना कि मैं इस चीज के लिए कभी भी एग्री नहीं करूंगी। दीदी चोरी करने में क्या जाता है, अपनी तो चीज है, खुद की चीज चुराए तो वो चोरी थोड़ी ना मानी जाएगी। दर्श मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं चोरी नहीं करूंगी, फिर वो चाहे हमें चीज मिले या ना मिले। पर दीदी आप नहीं कर सकते लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। मैं चोरी को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। तो दीदी आपसे कह भी कौन रहा है चोरी करने के लिए, आप बस आराम से देखो, मैं जाता हूँ और चोरी करके ले आऊंगा। अच्छा तू कैसे चोरी करेगा? अरे दीदी आपने सीआईडी नहीं देखा क्या? हाँ देखा है। तो दीदी सीआईडी में क्या मस्त मस्त ट्रिक्स बताते हैं चोरी करने के और उनसे बचने के भी। बेटा वो सीआईडी है, उसमें सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है और ये रियल लाइफ है, अगर तुझे दादी ने पकड़ लिया ना तो तू बहुत गंदा फंसेगा। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, एक तो आप दादी से डरते बहुत हो और वैसे भी अब तो उनका खराटे मारने का टाइम हो गया है, नीचे चलते हैं और मैं उनसे मैजिक स्टोन चोरी कर लूंगा। चलो दीदी आप बाहर नजर रखो कि पापा ना आ जाए, मैं जाकर जब तक वो स्टोन लेकर आता हूँ।
तो गाइस अगर आप चाहते हो कि हमें हमारा मैजिक स्टोन मिल जाए तो जल्दी से इस वीडियो को 1.5 लाख लाइक तक पहुंचा दो। तब मिलते हैं जल्दी से पार्ट 3 के साथ।